लेकिन पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट ने एक और बड़ा फैसला लिया है। हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी में शिफ्ट करने पर मुहर लगा दी है, जिससे हल्द्वानी के वकील बेहद खुश हैं। बार एसोसिएशन से जुड़े लोगों का कहना है कि इससे आम लोगों को बेहद फायदा मिलने वाला है। किया जाएगा नैनीताल से हाईकोर्ट को, यह फैसला जब निकल करके सामने आया, धामी कैबिनेट ने इस पर मुहर लगाई तो किस तरीके से वकील खुशी मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, मिठाई खिला करके खुशी का इजहार वो कर रहे हैं। और वकीलों ने कहा है कि इससे जो लोग हैं उनको फायदा मिलेगा, हल्द्वानी के लोगों को सीधा फायदा इससे पहुंचेगा। मंजूरी दी है, ये बहुत अच्छी सराहनीय है, क्योंकि नैनीताल में जगह बहुत कम है और लोगों को आने जाने में असुविधा होती है, खासकर मेरे शोषित समाज को, अनुशोषित समाज को इसमें बहुत परेशानी होती है पहाड़ों पर चढ़ाई करने के लिए। दूर दराज से, जशपुर से कहां कहां से लोग आते हैं और वहां स्टे करना पड़ जाता है, बर्फ पड़ जाता है। देखिए, हाईकोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी के गोलापार में शिफ्ट किया जाएगा। सरकार के इस फैसले पर हाईकोर्ट के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रभाकर जोशी और बड़े वकीलों का भी रिएक्शन सामने आया है। कई लोग समर्थन कर रहे हैं तो कई अपनी अपनी अलग अलग राय दे रहे हैं। सरकार का जो फैसला आया है, इससे पूर्व भी हमारी अपने मुख्य न्यायाधीश से इस संबंध में वार्ता हुई थी, तो उन्होंने हमको ये बताया था कि सरकार के ही द्वारा ये प्रस्ताव लाया गया था, जिसमें कि हाईकोर्ट द्वारा ही, जजों द्वारा भी अपनी रिकमेंडेशन दे दी थी कि हाईकोर्ट यहाँ से शिफ्ट हल्द्वानी किया जाए। और जो सरकार का और जो चीफ जस्टिस साहब का कहना था कि वादकारियों के हितों को देखते हुए ये निर्णय लिया जा रहा है, हाईकोर्ट शिफ्ट करने का कैबिनेट ने फैसला लिया है। ये सेंटिमेंटल वैल्यू तो नैनीताल के लिए इसकी है ही हाईकोर्ट की, लेकिन साथ ही प्रैक्टिकलिटी में भी इसको देखना पड़ेगा कि जो इंस्टीट्यूशन का विस्तार होना है इस हाईकोर्ट का, और नैनीताल जैसा जो शहर है जिसकी इकोलॉजी पहले से ही कॉम्प्रोमाइज है, पहले से उसमें बहुत सा भार है, तो उस हिसाब से प्रैक्टिकल लहजे से देखा जाए तो ये बहुत ही उचित फैसला है और ये कभी ना कभी होना ही था। तो नैनीताल से हाईकोर्ट को हल्द्वानी शिफ्ट किया जाएगा, लंबे वक्त से इसको लेकर भी मांग उठ रही थी। अब धामी सरकार ने मुहर लगा दी है। हल्द्वानी में किस तरीके की हलचल है, लोग क्या कुछ कह रहे हैं, हल्द्वानी से मेरे साथी अंकित शाह जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अंकित, देखिए, वकीलों को हमने सुना, वो मिठाई भी बांट रहे हैं, खुशी का इजहार भी कर रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि लंबे वक्त से हम ये बात कह रहे थे, ये मांग कर रहे थे, और अब सरकार ने उनकी मांग पर ध्यान दिया है, इस पर मुहर लगा दी है। अब वहां के लोग किस तरीके से इसको लेकर रिएक्ट कर रहे हैं अंकित? जिस तरह से कल धामी सरकार ने जो डिसीजन लिए हैं उसमें एक बड़ा अहम डिसीजन है हाईकोर्ट को लेकर। अब नैनीताल हाईकोर्ट अब हल्द्वानी में आपको देखने को मिलेगा, और जैसे ये डिसीजन आया वकीलों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। वकीलों का साफ तौर पर कहना है कि ये धामी सरकार का डिसीजन है काफ़ी अहम माना जा रहा है, और इस डिसीजन से लोगों को काफ़ी फायदा होगा, वकीलों को फायदा आएगा, जो क्राइम के जो यहाँ पर अपने केसेस लड़ने आते हैं उनको फायदा होगा। अब यहाँ पर जो जनता है, आम जनता, उनको वो किस तरह से देखते हैं, यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। सर, हाईकोर्ट अब हल्द्वानी शिफ्ट होगा, इसको आप किस तरह से देखते हैं धामी सरकार? सर देखिए, हाईकोर्ट का जो मामला है करीब 2-3 महीने से गरमाया हुआ था, इसकी कस्बे से लड़ाई खत्म है। सरकार की पहल का हम स्वागत करते हैं, इससे हमारी जनता का यहाँ पर देखिए जनता में जो हल्द्वानी की है उस सभी को फायदा होगा। नैनीताल जो है एक पर्यटक स्थल है, वहाँ पर हर आदमी के बजट से बाहर है, क्योंकि हल्द्वानी एक ऐसा क्षेत्र है जो पहाड़ से भी, प्लेन से, सभी जगह मिलता है। यहाँ पर महंगाई स्तर कम है, होटल कम रेट में मिलेंगे, लोगों को जन सुविधा होंगी, जन सुविधा में क्या हुआ कार्य महत्वपूर्ण है, हम सरकार के पहल का स्वागत करते हैं। दीपा, और लोग भी हैं, इन्होंने सरकार के पहल की है, उनका स्वागत किया है, कुछ और है उनसे पूछेंगे। सर, आज ये जो डिसीजन लिया है धामी सरकार ने हाईकोर्ट को लेकर, किस तरह से आप देखते हैं? जी, जो पहल गवर्नमेंट ने की है इस टाइम, बहुत अच्छी पहल की है। हाईकोर्ट जो हल्द्वानी में शिफ्ट होने जा रहा है, बहुत अच्छी पहल है। उत्तराखंड वासियों के लिए एक मेन स्थान है हल्द्वानी शहर, जो कि आने जाने वाले लोगों के लिए भी बढ़िया रहेगा, और जो क्षेत्रीय लोग हैं, आसान हो जाएंगी, रिजनेबल है यहाँ पे हर चीज, और आसानी से लोग यहाँ पर पहुँच पाएंगे। लोग इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं हल्द्वानी के भी। शुक्रिया अंकित पूरी जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।